असलाकुम उन सब को जो मेरी वीडियो देख रहे हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और खैरियत से और गाइज आपको पता है ना सलाम का जवाब देना चाहिए तो मुझे कमेंट कर जरूर सलाम का जवाब दीजिए और आप मुझे बताइए कि आप सब कैसे बहुत बातें हो गई अब हम रेसिपी शुरू करते हैं गाइज तो यहाँ पर मैंने हाफ के जी मटन लिया है उसको अच्छे से वॉश कर लिया है पतीले के अंदर हम मैंने मटन एड कर दिया है और ये हॉल स्पाइसीज आप देख सकते हैं काली मिर्च लौंग और ये लकड़ी है लकड़ी को दालचीनी बोलते हैं और यहाँ पर मैंने तेल एड कर दिया है है इसके अंदर ही ठीक है और कम ऐड करना है नमक डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और फिर इसको हम चढ़ा देंगे गैस लो फ्लेम पर ढककर पकाएंगे और इसका खुद का पानी ये छूट जाएगा और हमें इसके अंदर पानी डालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि ये छोटे का है बड़े का हो तो आप कुकर यूज़ कर सकते हो तो ये छोटे का है तो बहुत जल्दी ये गल जाता है और हमें सेवेंटी परसेंट ही इसको पकाना है हंड्रेड परसेंट नहीं पकाना है ठीक मटन पुलाव बना रहे हैं तो उसके अंदर और भी इंग्रेडिएंट जाएगी जो कि है चार मैंने प्याज लिए हैं सात टमाटर है, है हरा धनिया हरी मिर्ची दो नींबू और ये ढाई ग्लास चावल है दही का पाव जो कि हम कचुम्बर बनाएंगे बाद यहाँ पर मैं बार बार में चेक कर रही थी कि हमारा मटन बहुत ज्यादा ना गल जाए आप देख सकते हो इसके अंदर पानी है अभी भी इसको वापस से हम ढक देंगे और ये पकेगा अपने ये साइड में पकता रहेगा दूसरी साइड में मैंने बड़े पतेले के अंदर दो चमचा भरकर तेल लिया है उसके अंदर ये हमारे होल स्पाइसिस जाएंगे दो तो तेज पत्ते हैं बड़ी इलायची है जावित्री है काली मिर्च है लौंग है और आपको जो गरम मसाले का टेस्ट अच्छा लगता है ना आप वो इस्तेमाल कर लीजिए ठीक है उसके बाद में मैंने प्याज डाल दिए हैं कटे हुए और इन्हें ब्राउन होने तक हमें फ्राई करना है बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है आ, लाइट ब्राउन ही इनको फ्राई करना है ठीक है ये हमारे प्याज हो चुके हैं फ्राई अब इनको निकाल लेंगे आधे निकालेंगे क्योंकि हमें आधे बाद में यूज़ में लेना है ये ऑप्शनल है ठीक है आपको चाहिए तो आप निकाल लो वरना मत निकालो बट ऊपर से अच्छे लगते हैं ये और उसके बाद में मैंने टमाटर इसके अंदर ऐड कर दिए हैं बहुत बारीक नहीं काटना है ये थोड़े बड़े बड़े होंगे तो भी चलेगा अब इनको हम ढककर इस गला लेंगे यहाँ पर ठीक है टमाटर हमारे गल रहे हैं तब तक अपना दूसरा मसाला प्रिपेयर कर लेते हैं पांच हरी मिर्चियों को कट कर कर मैंने ओखली में डाल दिया है आप मिक्सर जार में भी इन मसालों को पीस सकते हैं और यहाँ पर मैंने आधा अदरक का टुकड़ा लिया है और ये हरा धनिया डालकर इसको अच्छे से हम क्रश कर लेंगे और यहाँ पर आप लहसुन भी यूज कर सकते हो मेरे पास पिसा हुआ लहसुन पड़ा है तो मैंने नहीं डाला इसके अंदर और ये टमाटर हमारे गल चुके हैं अच्छे से आप देख सकते हो अब इसके अंदर हमारी कटी हुई हरी मिर्ची डालेंगे आधी तो हमने उसके अंदर क्रश कर ली थी और आधी इसके अंदर डालेंगे इसके अंदर अब हम लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे मिक्स करने के बाद में ओखली में जो कुटा हुआ मसाला है वो भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और अच्छे से हम मिक्स कर कर उसको ढककर पकाएंगे मसाले को हमें ओवर कुक नहीं करना है यहाँ पर ठीक है तो अभी इसको हम अच्छे से मिक्स कर कर ढक देंगे दो सेकेंड के लिए और ये हमारा मसाला भी रेडी हो जाएगा तो हमने जो ओखली में कुट कर मसाला डाला है ना उसकी बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी पूरा घर महक रहा था उससे तो हमारा मटन पुलाव का जो मसाला है वो रेडी हो चुका है जो साइड में हमने मटन पकाने के लिए रखा था वो भी सेवेंटी परसेंट तक गल चुका है अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे पानी के साथ में ही जो जितना इसका मटन का पानी था उस हिसाब से अच्छे से हम इसको मिक्स कर देंगे और इसको दो या एक सेकेंड के लिए हम वापस से इसको ढककर पका लेंगे तो यहाँ पर ये यह हमारा पक्का रेडी हो चुका है अब यहाँ पर हम पानी डाल देंगे आप अपनी चावल की क्वालिटी और क्वान्टिटी के हिसाब से पानी डाल दीजिएगा ठीक है और यहाँ उबाल आते ही मैं यहाँ पर चावल डाल दूंगी चावल डालते हुए मैं एक बात बोलना चाहूँगी गाइज अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करना और अगर न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा तो ये ओखली के अंदर जो मसाला था इसके अंदर मैंने दो नींबू निचोड़ दिए थे तो वही मैंने इसमें डाल दिए हैं और साथ ही में मैंने नमक डाल दिए एक बार हम इसको मिक्स कर देंगे यहाँ पर आप नमक टेस्ट कर लीजिएगा कम लगे तो डाल देना और मीडियम फ्लेम पर हमें पकाना है तो ये पानी ऑब्जर्व कर लिए हैं चावल ने अब इसके ऊपर हम ऑनियन स्प्रिंकल कर देंगे ठीक है तो इसका भी टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है तो ये ज़रूर ट्राई करें अभी फ्लेम को हमें एकदम लो कर देना है और ऊपर ढक्कन लगा देना है अगर आपका पतीला कमज़ोर है पतला है तो नीचे तवा लगा देना यहाँ पर हमारी मटन पुलाव बनकर रेडी हो चुकी है और आप देख सकते हो काफ़ी अच्छे से और खिले खिले से चावल बने हुए हैं तो यहाँ पर सबके नाक में ये खुशबू जा रही थी उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था तो मैं अपनी फैमिली को सर्व करती हूँ तो अब भी अपनी फैमिली को ये रेसिपी से बना कर खिलाइए और दुआ में याद रखिएगा मिलते हैं अगली वीडियो में टिल देन बाय अल्लाह टेक केयर